इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के ऑक्शन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। अगले सीजन के लिए 19 दिसंबर 2023 को दुबई में खिलाड़ियों पर फ्रेंचाइजी पैसों की बरसात करती हुई नजर आ सकती है। इस बार किस प्लेयर पर फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा रकम लुटाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आईपीएल ऑक्शन में साल 2008 से लेकर 2023 तक के सीजन में किन खिलाड़ियों को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजी ने अपनी तिजोरी खाली कर दी। साल 2008, एमएस धोनी। लिस्ट में पहले नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम है, जिन्हें साल 2008 आईपीएल ऑक्शन में सीएसके ने 9.5 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने खेमे में शामिल किया था। आईपीएल 2008 ऑक्शन में धोनी सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2009, केविन पीटरसन। लिस्ट में दूसरे नंबर पर केविन पीटरसन का नाम, जिन्हें आईपीएल 2009 के ऑक्शन में आरसीबी ने 9.8 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ा था। आईपीएल 2009 ऑक्शन में केविन पीटरसन सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2010, कैरन पोलार्ड। लिस्ट में तीसरे नंबर पर कैरन पोलार्ड का नाम है, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने साल 2010 में 4.8 करोड़ रुपए देकर अपने खेमे में शामिल किया था। आईपीएल 2010 ऑक्शन में कैरन पोलार्ड सबसे ज्यादा रकम में बिकने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2011, गौतम गंभीर। लिस्ट में चौथे नंबर पर है गौतम गंभीर का नाम, जिन्हें साल 2011 में केकेआर ने 14.90 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। आईपीएल ऑक्शन 2011 में गंभीर सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2012, रविंद्र जडेजा। लिस्ट में रविंद्र जडेजा का नाम पांचवें नंबर पर है, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 12.80 करोड़ रुपए में खरीदा था। आईपीएल 2012 ऑक्शन में रविंद्र जडेजा सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर रहे थे। 2013, ग्लेन मैक्सवेल। लिस्ट में छठे नंबर पर है ग्लेन मैक्सवेल का नाम, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 6.30 करोड़ रुपए में खरीदा था। साल 2013 आईपीएल ऑक्शन में खरीदे जाने वाले ग्लेन मैक्सवेल सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। 2014, युवराज सिंह। लिस्ट में सातवें नंबर पर है युवराज सिंह का नाम, जिन्हें साल 2014 आईपीएल ऑक्शन में आरसीबी ने 14 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने खेमे में शामिल किया था। आईपीएल 2015 ऑक्शन में युवराज सिंह सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2015, युवराज सिंह। लिस्ट में आठवें नंबर पर एक बार फिर युवराज सिंह का नाम है, जिन्हें साल 2015 आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने खेमे में शामिल किया था। आईपीएल 2015 ऑक्शन में युवराज सिंह सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2016, शेन वॉटसन। लिस्ट में शेन वॉटसन का नाम नौवें नंबर पर, जिन्हें आरसीबी ने 9.50 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2016 ऑक्शन में शेन वॉटसन सबसे महंगे खरीदे जाने वाले खिलाड़ी रहे थे। 2017, बेन स्टोक्स। लिस्ट में दसवें नंबर पर है बेन स्टोक्स का नाम, जिन्हें साल 2017 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 14.50 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया था। 2018, बेन स्टोक्स। एक बार फिर लिस्ट में 11वें नंबर पर है बेन स्टोक्स का नाम, जिन्हें साल 2017 में राजस्थान रॉयल्स ने 12.50 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया था। 2019, वरुण चक्रवर्ती। लिस्ट में 12वें नंबर पर है वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें साल 2019 आईपीएल ऑक्शन में 8.40 करोड़ रुपए देकर पंजाब किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया था। 2020, पैट कमिंस। लिस्ट में 13वें नंबर पर है पैट कमिंस का नाम, जिन्हें आईपीएल 2020 ऑक्शन में केकेआर ने 15.50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने खेमे में शामिल कर लिया था। 2021, क्रिस मॉरिस। अगला नाम क्रिस मॉरिस का है, जिन्हें साल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए देकर खरीदा था। 2022, ईशान किशन। लिस्ट में 15वें नंबर पर है ईशान किशन का नाम, जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा था। 2023, सैम करन। लिस्ट में अगला नाम है सैम करन का, जिन्हें पिछले आईपीएल सीजन में पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। सैम करन आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि आईपीएल 2024 के ऑक्शन में वो कौन सा खिलाड़ी होगा जिस पर सबसे ज्यादा बोली लगाई जाएगी।